उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है। यहां 1 जून को 7वें चरण में मतदान होने वाला है। इस बार गाजीपुर में मुकाबला समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी और बीजेपी के पारसनाथ राय के बीच होने वाला है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यहां पहली बार चुनाव हो रहे हैं। हालांकि इस बीच मुख्तार से ज्यादा चर्चा अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी की हो रही है। नुसरत अंसारी गाजीपुर के गांव-गांव जाकर औरतों, बुजुर्गों और युवाओं को संबोधित कर रही हैं और पिता के लिए वोट मांग रही हैं। हर रोज उनके भाषणों के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा के टिकट पर खड़े हुए अफजाल के लिए वोट करने की अपील कर रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो फिर से सामने आया है जिसमें एक बेहद ही दमदार भाषण दे रही हैं। इसे सुनकर कहीं न कहीं विरोधियों के भी पसीने आ जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1 जून को जो हम लोग अपना अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम लोग को सिर्फ 5 साल बाद मिलेगा। 5 साल में एक बार आता है। कोई बता पाएगा 1 जून को क्या होना है? वोट पड़ना है, मतदान होना है। तो मतदान कर पाना ये एक लोकतंत्र की शक्ति है, ये लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है और ये भाजपा सरकार जो है वो इसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहती है, हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है। ये आप लोग से तो छुपा नहीं है कि 10 साल में हमारे देश में कितनी गरीबी रही है, कितना भ्रष्टाचार है, कितनी बेरोजगारी है। अब आप लोग हाथ खड़ा करके बताइए कि कौन कौन महंगाई से परेशान है। 10 साल में कौन कौन महंगाई से परेशान है? सब परेशान है, ठीक है। और कौन कौन बेरोजगारी से परेशान है? हाथ खड़ा करके बोलिए लोग, सभी लोग परेशान हैं। अरे तो भाई कोई 10 साल में खुश रहा है? कोई नहीं खुश रहा है। अडानी अंबानी हम इसी पे आना चाह रहे थे। मोदी जी का कहना था सबका साथ सबका विकास, यही नारा था ना उनका? हाँ, उस सबका साथ सबका विकास नहीं किए हैं, वो केवल कुछ पूंजीपतियों का साथ पूंजीपतियों का विकास किए हैं। जो सामंतवादी सोच रखते वाले हैं उनका साथ उनका विकास किए हैं। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका साथ उनका विकास किए हैं। तो जब ये सरकार सबका साथ नहीं दे सकती तो क्या इस सरकार को सत्ता में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए ना। तो उसको कैसे हटाएंगे सत्ता से, बताइए तनी आप लोग, वोट से ना। तो बस 1 जून को हम सबको साइकिल का बटन दबाना है। इंडिया गठबंधन के बारे में पता है आप लोग को? पता है ना? चलिए अच्छी बात है, बड़े जागरूक लोग हैं। मोदी जी के बड़े बुरा सपना आता होगा, उनकी देश की जनता जागरूक हो गई है। वो तो चाहते रहे कि सब अशिक्षित रहे, सब अंधकार में रहे, ताकि उनके कोई कभी जाके सवाल ना उठा ले, उनके कभी ना बोले कि आप ये गलत कर रहे हैं। जो बोल देगा उनको उठा के जेल में भेज देंगे। दिल्ली में केजरीवाल देख लीजिए, झारखंड में हेमंत सोरेन देख लीजिए, अपने गाजीपुर में अफजाल अंसारी को देख लीजिए। तो 1 जून जो है वो हम लोग के पास एक अवसर है, इस भाजपा सरकार को, इस तानाशाही सरकार को हम लोग सत्ता से हटा दें। जब आए रहे 2014 में तो ये बोले रहे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो अब आप लोग तो कह रहे किसी को रोजगार ही नहीं मिला, तो उनका 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? हम बताते कहाँ गया, अमित शाह के बेटे के पास गया है ना? बोलिए आप लोग, है ना? कहते रहे महंगाई हटाएंगे। तो आप ही बताइए दाल कितना रुपए किलो मिल रहा है? 170 रुपए बता रही है हमारी महिला टीम की लोग, 200 लोग बता रही हैं। तो अरे भाई कैसे चलेगा घर? इस सरकार रही सत्ता में तो कैसे चलेगा घर हम लोग का? माँ बाप अपने बच्चों को रात दिन पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं, उनको खिला पिला करके बड़ा करते हैं कि भैया जब बड़ा हो जाएगा तब वो नौकरी पाएगा, वो रोजगार पाएगा, तू हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन ये सरकार क्या करती है? योजना लाती अग्निवीर का। मोदी जी खुद हो गए कितने साल के हो गए हैं? 73 साल के हो गए हैं और बनना चाहते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री। और हमारे जो युवा लड़के लोग हैं उन्हें के वो
चार साल में रिटायर करके घर भेज देना चाहते हैं। तो देख लीजिए उनका क्या उद्देश्य है। तो 1 जून को अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करके साइकिल का बटन दबाइएगा, अफजान अंसारी को विजय बनाइएगा ताकि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सके। अभी हमसे वैसे बात नहीं करेंगे, हम यू बताएंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो का होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो महिलाओं को घर की एक महिला के खाते में सालाना 1 लाख रुपए, जो कि 8,500 रुपए होगा, वो दिया जाएगा। बिजली 300 यूनिट तक के फ्री कर दी जाएगी। किसानों का कर्ज माफ होगा, उनको पेंशन मिलेगा। और तो और जो किसान से संबंधित वस्तुएं हैं या चीजें हैं, जैसे बिया हो गया, खाद हो गया, उस सब पे जो टैक्स लगाए मोदी जी ना जीएसटी को अपनी उपलब्धि बताते हैं। ये ना जानते कि उनकी उपलब्धि जो है हर एक गरीब के पेट पे लात बन के मारती है। तो किसानों के ऊपर से टैक्स हटा दिया जाएगा। जो मनरेगा के मजदूर हैं, जिनको अभी ये सरकार 235 रुपए देती इतनी महंगाई में, और 200 रुपए का तो दाल ही मिल जाता, तो 235 रुपए का करता होगा, पता नहीं क्या बोले ऊपर, खैर ओके, बढ़ा करके 400 रुपए हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही जाति जनगणना होगी, जिसमें सभी अल्पसंख्यक निषाद समुदाय के लोग, बिन समुदाय के लोग और आदि जितने भी समुदाय के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़े हैं, उनका जाति जनगणना हो करके उनके संख्या बल अनुसार उनको सम्मान और अधिकार दिया जाएगा। युवा लोग जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके सालाना एक साल के लिए 1 लाख रुपए, जो कि 8,500 रुपए होता है, वो दिया जाएगा। तो आप इन्हीं योजनाओं को पढ़िएगा, अभी हमने बहुत कम बताई है, लेकिन अब जब आप पढ़ेंगे पूरों को तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये योजनाएं आपके हित में बनी है। महिलाओं को मद्देनजर रख के बनाई गई है, युवाओं को मद्देनजर रख के बनाई गई है, किसानों को मद्देनजर रख के बनाई गई है। तो 1 जून को हम बस यही बोलना चाहेंगे कि वक्त आ गया है परिवर्तन का, वक्त आ गया है तख्त बदलने का, और वक्त आ गया है भाजपा की जमानत जब्त करने का। आपको बता दें, बादा जेल में रहने के दौरान माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर गाजीपुर की सियासत में बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्तार की मौत की सहानुभूति वोट के तौर पर अब जारा अंसारी को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि मुख्तार के समर्थकों में केवल मुस्लिम हैं, बल्कि अन्य जातियां भी साथ हैं। गाजीपुर, घोसी, बलिया और आजमगढ़ में मुख्तार फैक्टर भी माना जाता है।